हाय गाइस, दिस इज शिल्पा मित्तल एंड दिस वीडियो इज फॉर 12th क्लास स्टूडेंट। हम ट्रांसमिशन मीडिया के बारे में पढ़ रहे हैं, जिसमें हम वायरलेस ट्रांसमिशन मीडिया के बारे में पढ़ रहे हैं, जहां बिना केबल्स का यूज किए हम कैसे डेटा को ट्रांसफर कर सकते हैं। उसमें अभी तक हम सारे मेन टॉपिक्स पढ़ चुके हैं, इंक्लूडिंग लेजर। ये हमारा लास्ट टॉपिक रहेगा ट्रांसमिशन मीडिया का, विच इज वाईफाई। वाईफाई का अगर हम फुल फॉर्म देखें तो वो होता है वायरलेस फिडिलिटी। मैं रिपीट कर रही हूं, अगर हम वाईफाई का फुल फॉर्म देखें तो वाईफाई का फुल फॉर्म होता है वायरलेस फिडिलिटी। वायरलेस फिडिलिटी ये एक तरह का डिवाइस होता है जो कि बिना वायर के सिग्नल्स को ट्रांसमिट करता है, और कई सारे डिवाइसेस एक साथ इससे कनेक्ट हो सकते हैं और इंटरनेट को एक्सेस कर सकते। अगर हम देखा है तो ये रेडियो फ्रिक्वेंसीज को यूज करता है, रेडियो फ्रिक्वेंसीज को यूज करके ही अपने डेटा को, अपने सिग्नल्स को ट्रांसफर करता है। और आप जानते हैं कि आज के टाइम में अलग अलग जगह, लाइक बैंक में हो गया, होटल्स में हो गया, कैफे में हो गया, रेस्टोरेंट्स हो गए, रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन, इन सब पे पोर्टेबल हॉटस्पॉट वाईफाई की तरह लगे रहते हैं, जहां पर आप फ्री में अपने डिवाइस को इनके साथ कनेक्ट करके इंटरनेट को एक्सेस कर सकते हैं। सो पब्लिकली यूज करने के लिए वाईफाई का यूज किया जाता है, जिसमें एक पासवर्ड आता है। जब आप इसके पासवर्ड को सेट करते हो और नया डिवाइस अगर इससे कनेक्ट होता है तो वो उस पासवर्ड का यूज करके इससे कनेक्ट हो सकता है। बिना पासवर्ड का यूज किए इससे कनेक्ट होना इम्पॉसिबल है। अगर फ्री टू यूज है, बिना पासवर्ड की वाईफाई है, तो इजीली कनेक्ट हो जाएगा। बट अगर कोई पर्सनल वाईफाई है तो उसमें आपको पासवर्ड की जरूरत पड़ती है कनेक्ट करने के लिए। अगर हम वाईफाई के एडवांटेजेस देखें तो वाईफाई के बहुत सारे एडवांटेजेस है। एडवांटेजेस पहली बात तो इसलिए क्योंकि ये केवल डिवाइस के तौर पे ही नहीं आता, ये टेक्नोलॉजी इनबिल्ट हमारे फोन सिस्टम्स में, हमारे लैपटॉप्स में भी आती है। दैट मीन्स हमें इनके लिए कोई अलग से डिवाइस नहीं खरीदना पड़ता। हमारे फोन में भी वाईफाई हॉटस्पॉट अवेलेबल होता है, हमारे लैपटॉप्स में भी वाईफाई हॉटस्पॉट अवेलेबल होता है, तो हम इजीली बिना किसी एक्स्ट्रा डिवाइस को कनेक्ट करे वाईफाई और हॉटस्पॉट जैसी चीजों का यूज कर सकते हैं। सो अगर इसके हम बेनिफिट्स देखें तो ये बहुत इजी, बहुत कन्वीनियंट है यूज करने में, बहुत सरल है इसको कनेक्ट करना। आपको सिर्फ स्कैन करना रहता है, इसकी रेंज में जो भी वाईफाई आते हैं वो आपको शो कर देता है, पासवर्ड डाल के आप उनको एक्सेस कर सकते हो। मतलब कोई अदर सेटिंग, कोई कॉम्प्लिकेटिव सेटिंग करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आपका फोन या लैपटॉप वाईफाई से कनेक्ट हो सकता है, आप इजीली इंटरनेट एक्सेस कर सकते हो। मतलब इस्तेमाल बहुत सुविधाजनक है, बहुत कन्वीनियंट है, और इसका कनेक्शन बहुत सरल है, बहुत इजी है। तीसरी चीज, वाईफाई बहुत हाई स्पीड प्रोवाइड करता है, कि मतलब आप अपने टास्क को बहुत जल्दी, बहुत कम टाइम में कंप्लीट कर सकते हो। तो वाईफाई की जो स्पीड होती है वो बहुत अच्छी होती है, आपके नॉर्मल इंटरनेट कनेक्शन से वाईफाई की स्पीड ज्यादा होती है। और जो बड़े बड़े ऑफिसेज होते हैं, जहां पर अलग अलग फ्लोर्स पे काम चलता है एक ही ऑफिस का, तो वहां पे कई बार होता है आपको फाइल्स को पहुंचाना रहता है या डेटा को शेयर करना रहता है या मीटिंग्स वगैरह करनी रहती है, तो उसमें टाइम वेस्ट करने से अच्छा है मैन्युअली आप ऑनलाइन ही पूरे के पूरे डेटा को ट्रांसफर कर सकते हो। दैट मीन्स मतलब कोई पर्सन फाइल लेके ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर जाएगा, उससे भी कम टाइम में आपका डेटा उस टेबल तक पहुंच जाएगा जहां आपको वो पहुंचाना है। सो वाईफाई किसी भी कंपनी की कैपेबिलिटीज को और उसकी प्रोडक्टिविटी को, उसकी क्षमता और उसकी उत्पादकता दोनों को बढ़ा देता है। उसके वर्किंग पैटर्न को चेंज करके ज्यादा से ज्यादा काम कम टाइम में हम कर सकते हैं। और तीसरी चीज मतलब ये है कि वाईफाई बहुत सस्ता आता है, इसको खरीदना कोई ऐसा बहुत एक्सपेंसिव काम नहीं है, लेस एक्सपेंसिव होता है। लाइक ब्लूटूथ की रेंज में ही आपका वाईफाई भी अवेलेबल हो जाता है, कोई बहुत महंगा डिवाइस नहीं होता अगर आप पोर्टेबल वाईफाई खरीदते भी हो डिवाइस भी, तो वो महंगा नहीं होता है, बहुत सस्ता होता है, बहुत चीप होता है कॉस्ट में, तो आप इजीली उसे परचेज भी कर सकते हो। अब अगर हम डिसएडवांटेजेस की बात करें तो ऑब्वियस सी बात है, वाईफाई की एक लिमिटेड डिस्टेंस होती है, मतलब 2 किलोमीटर हो गया, 3 किलोमीटर हो गया, बस मैक्स टू मैक्स 5 किलोमीटर, इससे ज्यादा वाईफाई की रेंज नहीं होती है। एंड एक्चुअली शायद 5 किलोमीटर का जो डायमीटर होता है उसमें बहुत कम चीजें कवर अप हो पाती, क्योंकि डायमीटर ही आपका 5 किलोमीटर का होता है, तो आपकी जो रेंज होती है वो एक लिमिटेड एरिया तक होती है, 5 किलोमीटर से ज्यादा नहीं हो सकती। वैसे तो बहुत सारे वाईफाई आते हैं जो कि
5 किलोमीटर से भी कम होते, लाइक 3 किलोमीटर का एरिया कवर कर रहे, 2 किलोमीटर का एरिया कवर कर रहे, 1 किलोमीटर का एरिया कवर कर रहे। बट मैक्स टू मैक्स बहुत हाई पावर का भी वाईफाई हो तो 5 किलोमीटर से ज्यादा वो एरिया कवर नहीं करता। तो दैट मीन्स यहाँ पे भी हमारा डिस्टेंस का एक लिमिटेशन आ जाता है कि डिस्टेंस तो निश्चित दूरी ही होती है, बहुत ज्यादा दूरी पे डेटा को ट्रांसफर नहीं कर सकता। दूसरी चीज, वाईफाई भी इंफ्रारेड रेस की तरह होता है कि अगर बीच में कोई ऑब्स्टेकल आ गया, लाइक कोई कॉन्क्रीट वॉल आ गई, या कोई पर्सन है वो खड़ा है बीच में, या कोई और दूसरे ऑब्स्टेकल्स आ गए, तो उसकी वजह से आपका जो सिग्नल है वाईफाई का वो ब्लॉक्ड हो जाता है, इजीली आप कनेक्ट नहीं हो पाते हो। और क्योंकि वाईफाई एटमॉस्फेयर में ही आपके पूरे डेटा को ट्रांसफर करता है तो डेफिनेटली ये इनसिक्योर है। हालांकि इसमें आप पासवर्ड का यूज करते हो, बट इसका पासवर्ड उतना भी टफ नहीं होता कि कोई उसे हैक ना कर सके, तो ये हैक किया जा सकता है। इसलिए इसके अंदर जो कम्युनिकेशन होता है वो सुरक्षा की दृष्टि से देखा जाए तो कम सुरक्षित है, असुरक्षित है, मतलब अनसेफ है। इसमें सिक्योरिटी मेजर्स थोड़े कम यूज होते हैं। तो यहाँ पर आपका वाईफाई टॉपिक भी फिनिश हो गया। फाइनली हमने ट्रांसमिशन मीडिया, जिसमें हम गाइडेड और अनगाइडेड मीडिया के बारे में पढ़ रहे थे, वो हमने फिनिश किया। इसके बाद आपका नया टॉपिक स्टार्ट होगा, दैट मीन्स डिवाइसेस, कम्युनिकेशन डिवाइसेस कौन कौन से होते हैं जिनका यूज करके हम कम्युनिकेशन करते हैं, उन पर आपका बहुत बड़ा टॉपिक है, जिसमें से भी 6 पॉइंट्स है, 6 डिवाइसेस के बारे में हम पढ़ेंगे, एंड देन आपका चैप्टर फिनिश हो जाएगा। सो अगर आपको इसमें कोई भी क्वेरी हो वाईफाई में, इसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस या इसकी डेफिनेशन में, तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।